गाड़ी है, इस प्रतीक के रूप में सभी को दो पहिया वाहन चलाते समय इसका उद्घाटन पिता का सभी सम्मानित आरटीओ साहब हम सबको पुलिस से सिफारिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर जीवन का अंत भी हो जाता है, कुछ लोगों के अंग भंग हो गया, वाहन बिना लाइसेंस का कोई वाहन न चलाए। चलना भैया शहर शहर और गली गली सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। कोई ना आप कहे आप आ रहे हैं कराने जाएंगे तो आपके साथ एक हेलमेट होगा, वो हेलमेट का भी पैसा लेता है। BSI मार्का हेलमेट भारत स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का जो है तो बढ़िया हेलमेट आपको देता है। उस हेलमेट की पर्ची के साथ ही रजिस्ट्रेशन होता है हर बाइक, लेकिन लोग लगाते नहीं है। अगर आप जनपद का आंकड़ा देखेंगे तो 10 में एक आदमी बाइक लगाते हुए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तमाम चीजें हमें मालूम नहीं रहती। अभी मैं जैसे कुछ लोगों से चर्चा कर रहा था कि हम दिल्ली जाएंगे तो वहां के जो नियम है बहुत बढ़िया से पालन करेंगे, बेल्ट सीट बेल्ट भी लगाएंगे, हेलमेट भी लगाएंगे अगर टू व्हीलर से चल रहे हैं। तो इस तरीके के आयोजन से निश्चित रूप से हमारे जनपद के लोगों को लाभ होगा। तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर भी इस तरीके का संक्षिप्त गोष्ठी कार्यक्रम कराए जा सकते हैं और मुझे विश्वास है कि कप्तान साहब ने निर्देश जरूर दे दिए होंगे कि हर थाने में भी इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है। सतर्कता के लिए तमाम आयोजन किए जा रहे हैं। सर अक्सर ये देखा जाता है कि अभी तो मान लीजिए चेकिंग चल रही है यातायात माह में, लेकिन अक्सर लोग बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलते दिखाई दे रहे हैं, क्या इसे कंटिन्यू करने का भी? देखिए जैसा मैंने अभी बच्चों को बताया है, इसके दो आस्पेक्ट है, अवेयरनेस महीना जो है अवेयरनेस का भी है, इंफॉर्मेशन का भी है और ट्रैफिक रूल्स के बारे में मनाया जाता है। इसी क्रम में जनपद महाराजगंज में आज मुख्यालय पर यातायात माह का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया है, जिसके क्रम में स्थानीय लोगों को, चालकों को, ट्रांसपोर्टरों को तथा अन्य सभान नागरिकों के साथ एक बैठक की गई है। इसमें हेलमेट का वितरण भी दिया गया है, हेलमेट की उपयोगिता के बारे में बताया गया है, यातायात नियमों के बारे में बताया गया है और ये माह भर लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास रहेगा पुलिस विभाग का, जिससे एक्सीडेंट्स कम हो और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो सके।